भाई ठुमकापुर से जो है ना झुमके मंगाए हैं, कैसी लग रही हूँ मैं? आपका ये झुमका, मकर सिंह, अरे माफ कीजिएगा भाई, सॉरी, आपको लगा तो नहीं, कहीं गलती हमसे हो गई, आप आइए प्लीज, सॉरी। नमस्ते मैडम, मैडम नमस्ते, नमस्ते। हमारा नाम है मदन गोपाल लियाजदारी में, हमारा घर फातिमा हॉस्पिटल के पास ही है। फतिमा अस्पताल, ना तो क्या करूं, ना अस्पताल ने दूर कर दूं कि तने। तो मैडम हम ये कह रहे थे कि हम बहुत लिहाज वाले लोग हैं, इतने लिहाज वाले कि हमारे पिताजी फौज में थे, तो उनकी सेना ने दुश्मनों की सेना के 100 सैनिक मार दिए, तो अब दुश्मन आपस में बात करने लगे कि इन्होंने हमारे 100 सैनिक मार दिए, कम से कम हम इनका 1 सैनिक तो मारते। तो हमारे पिताजी इतने लिहाज वाले थे कि उनके खेमे में चले गए और उनकी ही गन लेकर के अपने आप को गोली मार ली लिहाज में। अरे ओ लिहाजू, ना यो राम कहानी सुनाने आया तू, अरे अपनी कहानी सुनानी तो निकल यहाँ से। जी मैडम, तो बात यह है कि हम काफी महीनों से गौर कर रहे हैं कि जब भी हम अपनी बीवी कटीली, कटीली मतलब सिर्फ नाम कटीली है या सचमुच में, सॉरी मतलब आगे बोलो यार। जी, तो जब भी हम अपनी बीवी के साथ बाहर जाते हैं वहाँ पहले से एक आदमी मौजूद होता है। ओहो, तो तुम अपनी बीवी को कोई ऐसी जगह लेकर जाना चाहते हो जहाँ एकदम सन्नाटा हो, जहाँ एक भी आदमी ना हो, क्यों भाई? तुम्हारे घर में कमरा एक और लोग अनेक हैं क्या? नहीं, अगर ऐसा है तो बता दो, क्योंकि ऐसी कोपती वाले कुछ जगह है हमको। मैडम तफ्तीश कर रहा हूँ। तफ्तीश ना कर, ना 32 दांत निकाल के ना यहाँ डोंट सो पीस लगा दूंगी मैं। मैडम को और मत सताओ, अरे असली बात तो बताओ। जी मैडम, तो हम ये कह रहे थे कि जब भी हम अपनी बीवी के साथ बाहर जाते हैं वो आदमी हमारी बीवी को हाथ दिखाता है। क्यों भाई, तुम्हारी बीवी एस्ट्रोलॉजर है? ब्लाउज का मैं भी अपना हाथ दिखा लूं? मैं दिखा लूं अपना हाथ? दिखाओ। मैं सॉरी मम्मी जी। तू बोल। जी नहीं मैडम, वो हाथ दिखाता है मतलब इस तरह हाय ऐसे करके हाथ दिखाता है। अब हम ठहरे लिहाज वाले मैडम, तो कई बार तो हम ही अपनी बीवी से कहते कि भाई इतनी देर से वो हाथ दिखा रहा है, तुम भी अपना हाथ दिखा दो। लेकिन अब बात यह है मैडम कि अभी ये काफी महीनों से चल रहा है हाथ दिखाना, तो हम ठहरे लिहाज वाले हम उनको कह नहीं पा रहे हैं कि अब बंद करो, बहुत हो गया। तो हम ये चाह रहे हैं कि आप उन्हें यहाँ बुला करके जरा समझा दीजिए कि अब ये हाथ दिखाना जरा अब बंद करें। ना उसे डिस्टर्ब करे है, वो तेने है, इतनी बात हो रही। जी अरे तो बाटा दियो ऑल वेटिंग फॉर क्रिसमस, अरे धर के लाओ उस हाथ हिलाओ ने। जी मैं हूँ ललित कोठारी इत्तफाक से। हाँ भाई इत्तफाक से, इब जरा तपाक से यो भी बता दे कि तू घना सर्वव्यापी कैसे हो रहा, ना के मामला मचा रखा तेने? अब मैडम क्या है कि मैं जहां भी जाता हूँ वहां ये अपनी बीवी के साथ आ जाते हैं इत्तफाक से, और हम दोनों की नजरें चार हो जाती हैं इत्तफाक से। किसकी? तुम्हारी और कटीली की? Oh well, हमारी और इनकी। अब क्या है कि हम इतनी बार एक दूसरे से मिल चुके हैं कि एक संबंध सा बन गया है इत्तफाक से। कैसा संबंध? सॉरी तू ना थारा हाथ 100 पीस हो रहा जो तू इसकी बीबी ने दिखाता फिर है। अब क्या है कि इतनी बार किसी शख्स से आप मिल चुके हो और सडन वो आपको मिल जाए तो उसकी तरफ हाथ तो उठ ही जाता है ना इत्तफाक से। अरे क्या इत्तफाक से मैडम, अब परसों की बात है, हम अपनी बीवी के साथ आ रहे थे। कौन? कटीली? हमारी एक ही बीवी है भाई साहब। तो मैडम हम अपनी बीवी के साथ प्रकाश कुल्फी वाले के यहाँ से कुल्फी लेकर बाहर आ रहे थे, तो बाहर आते ही सामने भाई साहब दिख गए, वो हमारे सामने यूं देख रहे थे ऐसे। अभी हम ठहरे लिहाज वाले, तो हमने अपनी बीवी से कहा कि भाई जब तक हम इनके लिए कुल्फी लेकर आते हैं आप इनसे बातचीत कीजिए ताकि इनको अकेलापन महसूस ना हो। अब मैडम जब तक मैं इनके लिए कुल्फी लेकर बाहर आया, न जाने इन्होंने हमारी बीवी से क्या बातें की,
हमारी कुल्फी जो इनके हाथ में थी वो पिघल चुकी थी। इनसे कहिए ऐसा ना करें मैडम। अरे यार बस इतनी सी बात। अरे यार जो तुम अपनी कुल्फी हमारे हाथ में पकड़ा के गए थे और हमारी कुल्फी लेने के लिए गए थे वही बाजू में तंदूर चल रहा था, उसकी गर्मी की वजह से वो कुल्फी पिघली थी, हमने थोड़ा ही पिघलाई थी वो कुल्फी इत्तेफाक से। अच्छा ऐसा था। अरे माफ कीजिए हम तो कुछ गलती समझ बैठे। सॉरी मैडम मुझसे गलती हो गई, वो दरअसल तंदूर की वजह से कुल्फी पिघल गई थी। सॉरी मैडम, सॉरी एवरीबॉडी सॉरी। आइए भाई साहब चले चले। अरे शटर उठाते ही इसने बंद कर दी अपनी कंप्लेन की दुकान। मैडम मुझे तो लगता है ये बड़ा विचित्र इंसान। बेटा कोकी इस वर्ल्ड में जो है ना न कई प्रकार के विचित्र इंसान से, भाई दो तो योग है और एक है हमारा मक्खन सिंह। एक चंद्रमुखी। ये घायलपुर से जो है ना पायल खरीद के लाई मैं, कैसी लग रही हूँ आपकी ये पायल? ये पायल ये पायल आगे तो बोल। ये पायल मैडम, सर ने फिर से एक बार आपके साथ कोई वाहियात हरकत तो, मतलब सर ने आपको परेशान तो नहीं किया ना मैडम? अरे परेशान तो जाना ना मैं खुद ही से हो रही हूँ भाई। मैं जाना ना मैं पायल पहन के गई ना फिर जो है मैं झुमका पहन के गई। अरे उसके कान पे जू कतई कोई ना रहेंगी ना मैं। क्यों कैसा आदमी है ये मैडम, कैसा आदमी है मैडम? आप अगर चौराहे पे भी खड़ी हो जाए ना तो हर इंसान कम से कम 4 सीटी बजा कर। मैडम आप बहुत अच्छी हैं मैडम, अच्छी। मैडम लगता है वो ललित इसको फिर सता गया। मैडम ये तो फिर से आ गया। बात दरअसल ये है मैडम कि हम अपने बीवी के साथ संगीता सिनेमा में पिक्चर देखने जा रहे थे। अब टिकट विंडो पर टिकट खरीदने खड़े ही थे कि वहां पे ये भाई साहब खड़े हुए दिखे और हम दोनों की तरफ इस तरह देख रहे थे मानो बरसों से मैंने पिक्चर नहीं देखा, मुझे भी ले चलो साथ में। अब हमने लिहाज में इनका भी टिकट कटवा दिया। अब सीट नंबर आया 17, 18, 19। तो 17 पे हमने अपनी बीवी को बिठाया, 18 पे हम बैठ गए और 19 पे इनको बिठा दिया। अब बैठ तो गए मैडम, लेकिन बैठने के बाद हमको लगा कि कहीं ये बुरा ना मान जाए, मतलब कहीं इनको ऐसा ना लगे कि हम इन पे शक कर रहे। तो हम उठ के 17 पे बैठ गए, हमारी बीवी को 18 पे बिठा दिया और ये तो 19 पे बैठे ही थे, मतलब हम दोनों के बीच में हमारी बीवी बैठी। अब मैडम अंधेरा हुआ तो हम क्या देखते हैं कि इनका हाथ हमारी बीवी के कंधे पे था। अरे क्यों बावड़ी पूंछ, ना अंधेरा होते ही तैने इसकी बीवी पे हाथ डाल लिया। कटीली जी आप बताइए इसने आपके कंधे पे हाथ रखा था? अब मैं क्या बताऊं, मुझे तो सिर्फ हाथ से मतलब था। और मैं ये थोड़ी देख रही थी कि हाथ किसका है, मैं तो फिल्म देख रही थी। मतलब हाथ था, देखा मैडम देखा। अरे यार सारी बात हम क्लियर कर देते हैं मैडम। हुआ ये कि ये बैठे थे 17 नंबर पे, इनकी बीवी बैठी थी 18 पे और मैं बैठा था 19 नंबर पे। अब मैडम आप ही यार, हम तुम्हारी बीवी के कंधे पे तुम्हारी हाथ रख रहे थे, हम तो तुम्हारे कंधे पे हाथ रख रहे थे। मैडम अब आप ये बताइए कि 19 नंबर वाला आदमी अगर 17 नंबर की सीट पर बैठे वाले आदमी तक हाथ लेके जाएगा तो 18 तो बीच में आएगा ही ना। मैडम अगर आपकी इजाजत हो तो मैं एक छोटा सा डेमोंस्ट्रेशन दिखा देता हूँ। मैडम देखिए ऐसे। अब मैडम क्या था कि ये बैठे थे 17 पे, इनकी बीवी बैठी थी 18 पे और मैं बैठा था 19 नंबर पे। अब मैडम हुआ ये कि जैसे ही हम अपना हाथ इनके कंधे तक लेके जा रहे थे कि इत्तेफाक से हमारा हाथ इनकी बीवी के कंधे तक आते आते खत्म हो गया। अब मैडम
यार अगर हम तुम्हारी बीवी के कंधे पर हाथ रख रहे होते तो ऐसे थोड़ा ही रखते, फिर तो हम ऐसे रखते। अच्छा, मतलब दरअसल ये मामला था। सॉरी, फिर तो गलती मेरी है मैडम, मैं मतलब इनको गलत समझ रहा था। सॉरी भाई साहब। अरे ठीक है यार, सॉरी, नहीं मतलब मुझसे गलती हो गई है, आप चले। इट्स ओके, हाँ चलते हैं। अरे यार अगर हम तीनों लोग एक ही ऑटो में चले तो। हाँ बेस्ट, बेहतर आइडिया है, चले चलिए। ओके मैडम चलते हैं। और सुनो, ऑटो में तुम बीच में बैठना, ठीक है? बहुत सही। अच्छा भाई साहब, आपने मुझे बताया नहीं कि आप हमारे कंधे पे हाथ क्यों रखना चाहते थे। ये बात तो मैं तुम्हें ऑटो में बताऊंगा। चले चल, ऑटो। अरे सुनो भाई साहब, साथ में चलने का। अरे कैसे लोगे मैडम? भाई घोर कलयुग आ गया है। अरे तू चौकी से बाहर कतई ना निकला कर, समझी? पूरी गंज से जाना, चूड़ियां मंगाई है मैंने, कैसी लग रही? आपकी ये चूड़ियां तैने के मन्ने जो है टेम्पो ती बारी समझ रखा ना, जो हर बार तो चूड़ियां ना झुमके ना पायल बोल के मन्ने टरका जाएगा। और तो तैने बताना पड़ेगा मैं चूड़ी पहन के कैसी दिख रही हूँ। जी नहीं। क्यों ना तैने मारा कोई लिहाज कोई ना है? अरे लिहाज तो क्या, जहाज भी नहीं है। दो है ना, जिसे लिहाज में ही जो मरा जा रहा, और एक यो सैना मैनरलेस लिहाजलेस यू ब्लडी फूल। मैडम 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 कहाँ मैडम 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 हम बर्बाद हो गए, हम बर्बाद हो गए मैडम। क्यों भाई, इस बार तेरी बीवी ने किसी के कंधे पे हाथ रख दिया क्या? सॉरी मम्मी जी। नहीं नहीं मैडम, बात वो नहीं है, बात दरअसल ये है कि हमने हमारी बीवी को 2 लाख रुपए दिए थे शॉपिंग के लिए, और हम उसे अपनी स्कूटर पर बिठा करके, मतलब हमारे पास कार्स बहुत है लेकिन हमारी बीवी को पसंद है स्कूटर पर जाना, तो उसे स्कूटर पर बिठा करके हम ले जा रहे थे शॉपिंग मॉल शॉपिंग करवाने। तब रास्ते में हमने देखा कि ललित खड़ा है। अब हम ठहरे लिहाज वाले, तो हमने सोचा कि इतनी धूप में ये खड़ा है, हम इसे लिफ्ट दे देते हैं, लेकिन स्कूटर में तो 2 ही लोग बैठ सकते हैं। तो फिर हमने इनसे कहा कि भैया एक काम करो, आप हमारी स्कूटर लेकर जाओ और हमारी बीवी को शॉपिंग मॉल छोड़ के आओ, तब तक हम है कि धूप में वेट करते हैं, वापस आओ फिर हम दोनों साथ में चलेंगे शॉपिंग मॉल। मैडम हम शाम तक इंतज़ार करते रहे लेकिन वो नहीं आए। फिर हम खुद शॉपिंग मॉल गए तो वो लोग वहाँ भी नहीं थे। कुछ कीजिए मैडम, कुछ कीजिए ना। मैं के करूँ ईब ना, सारे कांड तो थारी बीवी कर रही से। नहीं नहीं मैडम, ऐसा मत बोलिए, हमारी बीवी सती सावित्री है। सावित्री हो रही वो है, और अब तू हो रहा सता सावित्रा। भैया ऐसा है ना इब, जो मैं कहने वाली हूँ उसके लिए प्लीज हैव ए हैवी हार्ट। भाई मारे बाल को ने पता लगवाया है कि उस ललित का और थारी बीबी के बीच में जो है ना लप्पा झप्पा चल रहा है। नहीं नहीं मैडम नहीं, ये हम नहीं मान सकते, कभी नहीं मान सकते। अच्छा ना उस ललित ने डिरी मापे ना कि मियाँ बीवी दोनों कहाँ जा रहे हैं, कभी रेस्टोरेंट में पहुंच जावे कभी थिएटर पहुंच जावे, ना उसने डिरी मारा है ना या तू बताता है उसने। अरे नहीं मैडम, हमें तो खुद पता नहीं होता कहाँ कब कैसे जाना है, वो तो हमारी बीवी तय करती है। करेक्ट है भाई है? तो ईब ऐसा है जो तैने लग रहा कि हम रॉन्ग हो रहे थारी बीवी राइट, तो ईब काम कर, तू ईब वही कर जो हम कह रहे हैं। देखो अभी तुम्हारे घर का मामला नहीं राइट, तो पुलिस केस, गॉड डैम इट। भाई अब तो FIR लिखी जा चुकी है, अब तो फैसला होके रहेगा। भाई फैसला होगा और होगा दूध का दूध और पानी का पानी। FIR
ये थोड़ी ना कोई बात होती है, मैं कहीं पे भी जाऊँ किसी के भी साथ जाऊँ, और मैं इनके साथ थोड़ा ना गई थी। अरे वो तो हम रास्ते में मिल गए थे इत्तेफाक से, फिर हम दोनों मॉल चले गए। फिर तुम उस मदन गोपाल को लेने लौटे क्यों नहीं? अरे कैसे लौटते, स्कूटर जो खराब हो गया था इत्तेफाक से। खराब तो तुम दोनों की जो है ना किस्मत हो गई है, जो हमारे हत्ते चढ़ गए हो दोनों। और ना के लग रहा हम अंधे हो रहे हैं, हम सब घूम रहे हैं ऐसे हैं, ना जो हमें दिखाई कोई ना देगा, तुम दोनों के बीच के लारा लप्पा चल रहा। और तू कटीली नहीं, तू सत्य बोलेगी कि कटीली से बिलंट बना दूं मैं तने हैं? और तू कतई दरमान की तरह खड़ा दिखे। जी मम्मी जी, ये रहे इन दोनों के एक साथ घूमते फिरते फोटोग्राफ्स जो हमने खींचे हैं। तो अब ये फोटोग्राफ अगर तुम्हारे पति के हाथ में पहुंच गए तो? नहीं नहीं नहीं, ऐसा जुल्म मत कीजिए। वो क्या है कि हम दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं इत्तेफाक से, वैसे हम दोनों के बीच और कुछ है नहीं। हाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, और प्लीज उन्हें मत बताइएगा। अब बताने को बचा ही क्या है कटीली। हम तुम्हारे पति, जिसके विश्वास को तुम चाय की पत्ती समझकर घोल कर पी चुकी हो। और डरो मत, हम तुमसे कुछ नहीं कहेंगे। अगर तुम इसके साथ खुश हो तो तुम्हारी खुशी में हमारी खुशी है। आज हम खुशी खुशी तुम्हारा हाथ इसके हाथ में दे रहे हैं, ले लो भाई। ठीक है, अगर तुमने परमिशन दे दी तो इट्स ओके, चलो ललित हम चलते हैं। बात समझने की कोशिश करो। देखिए मैडम, क्या मैं इस तरीके का आदमी हूं नहीं। न मरने सब बेरा कि तू किस टाइप का आदमी हो रहा। और तू न कतई भोली, न प्रेम की भूखी, न तू तो मरी जा रही है। तन्ने तो यो लग रहा कि यो थारे से प्रेम करे ना घर बसाएगा थारे संग। अरे यो तो तब तक थारे संग है जब तक तू अपने पति के संग है, और थारे पास अपने पति की जायदाद और पैसा है। अरे ये तू खुद अपने मुंह से कुछ बोलेगा? हाँ हाँ ललित, बता दो, ये सब झूठ है, बोलो ना बोलो ना। ये सच है कि मुझे तुमसे प्यार नहीं। मैडम, मैं इस तरीके की रईस और शादीशुदा औरतों को उनके पैसे की खातिर अपने जाल में फंसाता हूं। नहीं, रो मत कटीली, रो मत। कोई तुम्हारा साथ दे न दे, हम तुम्हारा साथ जरूर देंगे, क्योंकि हम तो लिहाज वाले हैं। ओहो, न देख लिया चमको रानी, भाई पति पति हो गए और आशिक। पति वो जो दुख सुख में काम आए, और आशिक न तभी तक काम आता है जब तक आपके पास पैसा है और आप सुखी हैं। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन जो मैं इस गलत रास्ते पे चली हूँ उसकी जिम्मेदार ये है, ये इनके लिहाज की वजह से। इन्होंने आज तक मुझे छुआ तक नहीं कि कहीं मुझे चोट ना लग जाए, कहीं मुझे खरोच ना आ जाए। इनके लिए मैंने पायल झुमके बिंदिया सब लगाई, पर इनके लिहाज की वजह से इन्होंने आज तक मेरी एक बार तारीफ तक नहीं करी। सारी दुनिया का लिहाज किया लेकिन अपनी बीवी का लिहाज नहीं किया कि उसके भी कोई अरमान है, उसके भी कुछ खुशियां हैं। बस बस करो कटीली, बस करो, फॉर गॉड्स सेक स्टॉप इट, आई से स्टॉप इट। ना हो तो गई स्टॉप, और के फुल स्टॉप बन जाएगी। सॉरी, थैंक यू कटीली, आज तुम्हारी वजह से मुझे एहसास हो गया कि मैं कितना गलत था। थैंक यू मैडम, आज आपकी वजह से हम दोनों को एहसास हो गया कि हम दोनों कितने गलत थे। अब हम किसी का लिहाज नहीं करेंगे। ओहो, पक्का गारंटी? तो पप्पी ले इसकी। लेकिन मैडम, नो इफ नो बट, सिर्फ फटाफट आराम से भाई, आराम, रिलैक्स, कंट्रोल। देखिए मैडम, पप्पी लेने को तो हम ले सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आपके सामने मैडम ये तो लिहाज में माने जाएंगे। आप कहें तो मैं ले लूं।